हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में नॉर्मल बात करेंगे, इंजन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि थ्री सिलेंडर इंजन है। दोस्तों, आजकल बहुत ही गाड़ियों में कॉमन हो चुका है, आपको छोटी से लेके आपको थोड़ी सी जैसे 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक की गाड़ियों में थ्री सिलेंडर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन और सस्ती गाड़ियों में नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन आपको मिल रहा है। जबकि कुछ सालों पहले सब 4 सिलेंडर पर थे, 4 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, 1.2 लीटर 4 4 सिलेंडर। पर अब क्या हो गया, 1 लीटर 3 सिलेंडर के साथ टर्बो डाल दिया, 1.2 लीटर के साथ 3 सिलेंडर में टर्बो डाल दिया। कुछ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन भी 3 सिलेंडर यूज हो रहे हैं गाड़ियों में। बहुत सारी गाड़ियाँ जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ यूज होती हैं, जैसे कि i10, i20, वेन्यू, वरना, सोनेट, अल्ट्रोज आती थी। अल्ट्रोज में 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड आता था, अब तो टर्बो ला दिया उसमें। नेक्सोन XUV300, पोलो रैपिड, वेंटो, टियागो, टिगोर, फ्री स्टाइल, वैगन आर, इको स्पोर्ट, सिलेरियो, KUV100, क्विड, ऑल्टो, K10, बहुत सारी गाड़ी है 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों उनके प्रो और कॉन्स के बारे में, और 3 सिलेंडर इंजन एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर हम दोस्तों बात करेंगे कि क्या उसके प्रो है 3 सिलेंडर एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर, और कॉन्स क्या है एज कम्पेयर टू 4 सिलेंडर। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, 3 सिलेंडर इंजन की बात हो रही है, तो नाम से पता चल रहा है 4 सिलेंडर के कंपैरिजन में हम कर रहे हैं। तो 3 सिलेंडर का मतलब है 4 सिलेंडर में से 1 सिलेंडर कम हो गया है, 3 सिलेंडर तभी बना है। तो 1 सिलेंडर कम है मतलब उसके अंदर जो पार्ट्स यूज होंगे दोस्तों वो भी कम होंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंजन की कम हो जाएगी, जिससे ओवरऑल मेंटेनेंस आप गाड़ी की सस्ती कर सकते हैं। तो पहला प्रो ये है दोस्तों कि गाड़ी की मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, और गाड़ी का प्राइस भी कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है दोस्तों, जो दूसरा प्रो है, लेस फ्रिक्शन। दोस्तों, जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे, जितने ज़्यादा सिलेंडर्स होंगे, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगी। तो वही चीज़ अगर 1 सिलेंडर हमने कम कर दिए तो फ्रिक्शन भी लेस जनरेट होगी। तीसरी बात आती है लेस वेट की। दोस्तों, अगर हम इंजन को कॉम्पैक्ट कर देंगे एक तरह से, 4 सिलेंडर से जब हम 3 सिलेंडर पे आए तो कुछ पार्ट्स कम लगे हैं, 1 सिलेंडर कम लगा है, पिस्टन कम लगा है, तो दोस्तों ओवरऑल साइज़ इंजन का छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से इंजन का जो वेट है और गाड़ी का जो ओवरऑल वेट है वो कम हो जाएगा। और जिसका मतलब है कि जो फ्यूल इकोनॉमी है हमारी दोस्तों बढ़ जाएगी, 3 सिलेंडर में, उसमें 4 सिलेंडर में फ्यूल जा रहा है, इसमें 3 सिलेंडर में फ्यूल जा रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ जाएगी, मतलब हमें लेस फ्यूल लेना पड़ेगा टू जनरेट पावर। और क्या हो सकता है दोस्तों, चीपर मेंटेनेंस होगी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और एक और रीज़न है, इतना प्रैक्टिकल रीज़न नहीं है पर ये फिर भी एक प्रो माना जाएगा, कि अगर आपका इंजन गाड़ी का छोटा हो जाता है तो कंपनी, हो सकता है कि आपको जो कैबिन स्पेस देखने को मिलेगी ना गाड़ी में, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। पर इंडिया में ऐसी कोई गाड़ी नहीं है जिसमें लगा लो आप 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल, जैसे i20 है, 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल है, उसका जो इंजन कंपार्टमेंट है उसमें स्पेस उतनी है। ये नहीं है कि अगर इंजन छोटा डाला तो आपकी कैबिन स्पेस बढ़ जाएगी, उसमें नॉर्मल सी बात है, जो गाड़ी का साइज़ है वही रहेगा, इंजन का जो इंजन की कंपार्टमेंट की जगह वो उतनी रहेगी, तो कैबिन का स्पेस भी सेम ही रहेगा। तो दोस्तों, और अब बात करते हैं कॉन्स की। दोस्तों, कॉन्स में पहला कॉन 3 सिलेंडर का ये है, अगर आप 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर में आते हैं तो दोस्तों 3 सिलेंडर नॉइज़ करता है, नॉइजी इंजन होता है, इंजन की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो 3 सिलेंडर को हम इतनी पावर प्रोड्यूस करने के लिए रख देते हैं। अगर पावर प्रोड्यूस नहीं भी करेगा दोस्तों, जो 3 सिलेंडर होता है वो अनबैलेंस्ड इंजन होता है, क्योंकि 4 सिलेंडर में क्या है, आप जो शाफ्ट लगाएंगे आप दो दूसरी साइड कर देंगे, दो इस साइड कर देंगे, तो बीच में से रोड चली जाएगी। 3 सिलेंडर अनइवन अनबैलेंस रहता है इंजन, तो इंजन वाइब्रेशन ज़्यादा हो जाती है, स्लगिश रहता है इंजन, लो आरपीएम्स पे लैगी रहता है, लो आरपीएम्स पे इंजन, और जो आइडल नहीं होता, रफ आइडल रहता है 3 सिलेंडर इंजन। और दोस्तों, रिलायबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 4 सिलेंडर इंजन ज़्यादा रिलायबल माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू 3 सिलेंडर इंजन। और
आपको नॉर्मल सी बात बताता हूँ दोस्तों, जैसे कि ह्यूंडई वरना है 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आई है, और होंडा की जो 1.5 वीटेक है होंडा सिटी, वो आपको आपको पता ही होगा कि होंडा सिटी को सब रिलायबल कहते रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन है, और वरना इतनी रिलायबल नहीं रहेगी क्योंकि उसमें 3 सिलेंडर डाल दिए गए हैं। वो भी इतनी बड़ी गाड़ी है, 3 सिलेंडर डाल दिए टर्बो के साथ, तो गाड़ी परफॉर्मेंस अच्छा दे देगी पर रिलायबल नहीं रह पाएगी। वो कुछ जैसे जैसे उस गाड़ी के इंजन का टाइम टाइम होता रहेगा, आप उसे यूज करते रहेंगे, किलोमीटर रोडों पे बढ़ते रहेंगे, कुछ एक इंटरवल ऐसा आएगा कि आपको वो इंजन उतनी अच्छी पावर नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक तो टर्बो लगा है तो रिलायबिलिटी वैसे कम हो जाएगी, ऊपर से 3 सिलेंडर इंजन है तो रिलायबिलिटी कम होनी ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों, होप सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।